मैं हेमराज वर्मा हूँ। 1931 में मेरी बर्थ हुई थी। ऑलमोस्ट 8.5 ईयर्स मेरी एज है और आई हैव बीन वेरी एक्टिव थ्रू आउट माई लाइफ। मैं पूरी लाइफ में मैं एक्टिव ही रहा हूँ, कोई ना कोई कुछ काम में लगे रहो, मैं कभी रिलैक्स नहीं किया। मेरा जन्म एक्चुअली पटियाला स्टेट के में था, एक गांव था विलेज बानवी करके, गांव में थे, प्राइमरी स्कूल हमारे स्कूल में था। और उन दिनों में एजुकेशन की हालत ये थी कि 8-10 गांव के अंदर एक ही प्राइमरी स्कूल था। वहाँ से 2-3 किलोमीटर बच्चे चल के प्राइमरी स्कूल में, पहली नर्सरी में पैदल चल के बच्चे आया करते थे। इतना मतलब एजुकेशन की फैसिलिटी की इतनी कमी थी उन दिनों में। और स्कूल में भी एक कोई बेंच नहीं होते थे, घर से कई दफ़ा चौक गए थे भी बोरी उठा लो बैठ जाओ डिटर टाट लगा के। एक्चुअली मैं खुद ही कई दफ़ा था स्कूल का दरवाज़ा ताला मुझे खोलना था, झाड़ू हम खुद ही लगाते थे और पानी छिड़कते थे बच्चे जब आने से पहले। तो ये मतलब उस हालत में हम पढ़े हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में मुझे पंजाब पटियाला स्टेट गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिला था, स्कॉलरशिप होल्डर है दैट। और उसमें नेक्स्ट दूसरे गांव में मिडिल स्कूल था, वहाँ पे 8 मिडिल स्कूल में जाके ये। उसके बाद में फिर 9th में अपने खन्ना का एक टाउन है हमारा, खन्ना में जाके हमारे 9th-10th पास किया। मेरे पिताजी का नाम करमचंद था, करमचंद वर्मा जी, और नराती देवी था मेरी माँ का नाम। और अनफॉर्चुनेटली 40 के एज में ही मेरी मदर की डेथ हो गई थी। मैं 12-13-14 साल का था उस वक्त मदर की डेथ हुई। पिताजी बड़े मतलब लिबरल थे, लोगों की हेल्प करने में बहुत ही लोगों की हेल्प करते। और धर्म घर में जब भी उनकी एक आदत थी कि भी अब अपना नाम कभी नहीं देते, जब भी किसी को देना है गुप्त दान देना है, अपना नाम कभी नहीं देते। कई जगह रामलीला वाले आते थे, वो दान मांगते थे, वो बल्कि इंसिस्ट करते दादाजी हमें आपका नाम लेने दो, कहते हमें आपको तो नहीं फायदा हमें फ़ायदा हो जाएगा, आप नाम अनाउंस करेंगे लोग भी इंस्पायर होकर हमें दान देंगे। लेकिन ऐसे कामों में खुद ही कहता मैं अपना नाम नहीं करवाना। और वैसे थे इमोशनल थे, कई बार डोमिनेटिंग भी थे, सरपंच भी गांव के सरपंच भी रहे थे, इस करके मैनेजमेंट की आदत थी उनको, तो उनकी पब्लिक की इमेज बड़ी अच्छी बनी हुई थी। 8-10 गांव में उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। माता जी बड़ी इमोशनल थी, बड़ी प्यार करती थी बच्चों को और बड़ी डिवोटेड थी। और एक्चुअली क्या उनके उनके भाई ना भाई कोई नहीं था, जो मेरा बड़ा भाई था जब पैदा हुआ उसको बेटा नहीं कहती, उसको भाई कहती थी, भाई कह के बुलाती थी, तो बेटा कह के नहीं बुलाती उनको, मैं उनको ऐसा फीलिंग आती थी। और गांव में बड़ी पॉपुलर थी, उनका था कि कोई भी आया कभी किसी को दान देना, किसी को साधु महात्मा जो भी आ गए बड़ा उनको दान करती थी। जब 3 भाई थे, मैंने 2 बड़े भाई थे मेरे से, उसका नाम देवराज था, उसके बाद छोटा उसका देशराज और मेरा हेमराज। मैं 3 मैंने एक एक्चुअली कंपनी बनाई थी, एक अपने नाम से सोचा था कि कभी बिजनेस करेंगे तो राज कंपनी रखूंगा उसका नाम। 3 बहनें थी छोटी, 1 मेरे बहन बड़ी थी, 2 मेरे छोटी थी। हमारे भाई में बहुत प्यार था। सच्ची बात यह है कि कभी किसी से हमें कभी लड़ाई नहीं थी होती, कभी भी नहीं, हम किसी से आपस में कभी नहीं लड़े, कोई किसी किस्म की डिवोशन नहीं, मतलब कोई जेलसी नहीं, कुछ नहीं।
तो मदर की डेथ अर्ली होने की वजह से पे बड़े भाई भाभी जो हमारे थे वो ही बात माँ बाप के रोल ज़्यादा किया। बड़े भाई की शादी हुई थी, बाकी बच्चों की सबकी शादी उनकी मदर की डेथ के बाद ही हुई है। मैं और मेरा भाई मदर तो सही नहीं, फादर मदर की डेथ के बाद वो रिटायर्ड ही फील कर रहे थे, तो जो भी किया और बड़े भाई ने किया। विद्या मेरी वाइफ का नाम था, वो इतनी डिवोटेड थी फैमिली के साथ। 12th पास किया जब मेरी मैरिज हो गई थी, मगर मेरी एक शर्त है अगर तुम्हारी बात मान ले तो मेरी शादी कर लेगी, लेकिन मैं अपनी वाइफ को तब लाऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊँगा, अपने पेरेंट्स पे रहेगी इधर नहीं आएगी। 12th क्लास में मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं इंजीनियरिंग बाद में पढ़ा। वो 5 साल अपने गांव में रही, कभी हमारे गांव में कभी आप इसी डिवोशन दिए सेक्रीफाइस किया। मैं कहता हूँ कि शादी के बाद लड़की को अपने माँ बाप के घर में रहना पड़े बहुत मुश्किल काम है, तो लेकिन उन्होंने 5 साल टॉलरेट किया, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होने दी कि भी आप पढ़ो पहले अपना करियर बढ़ाओ, जो भी बर्दाश्त हो तो करना है मैं खुद करूँगी। मैं इतनी उसे टॉलरेंस थी उनके अंदर, हर मौके पर मेरे बराबर खड़ी रही, किसी कभी उसने डिमांड नहीं किया। सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी थी मैं भी लेता ये चीज़ ले लो ये जेवर ले लो, वो कहती नहीं बहुत पड़े हुए मैं नहीं लेना, मैं कभी डिमांड ही नहीं थी वो। याद तो खास उनको कभी भूल ही नहीं सकते, 10 साल उसको गए हुए भी हो गए, बट स्टिल शी इज अलाइव विद मी। चारों के चारों बच्चे एक स्टेशन पे पैदा नहीं हुए ये भी है, बड़ी है वो बड़ौदा में हुई थी, उसके बाद दूसरी लड़की जो अंजना है वो बॉम्बे में हुई, और अलका जो तीसरी थी वो वहाँ पे हुई कानपुर में हुई, और बेटा चंडीगढ़ में हुआ। तो जॉब में चेंज होती रही, ऐसे तरीके प्राइवेट सेक्टर में पहले स्टार्ट में प्राइवेट सेक्टर में शुरू किया, फिर पब्लिक सेक्टर में आए, तो मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी रहा हूँ, ज्योति में भी रहा हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से पब्लिक सेक्टर आ गया, फिर पंजाब एग्रो कॉरपोरेशन में चंडीगढ़ में जॉब हुई एज ए चीफ इंजीनियर, उसके बाद हरियाणा में चले गए, हरियाणा में मैं इंडस्ट्रियल एडवाइज़र था, हरियाणा से सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गए एज डायरेक्टर इंडस्ट्री, डायरेक्टर थ्रू पी एस सी डायरेक्टर इंडस्ट्री में। सारे बच्चे मुझे प्यार करते हैं, बच्चे भी ग्रैंड चिल्ड्रन भी, पहले आई एम सो लकी इन दैट केस, बिल्कुल बच्चे में कोहिजन है सब कहते हैं, बच्चों में आपस में भी प्यार है और मेरे साथ तो है ही। Dad has been always very supportive, बहुत supportive रहे हैं right from the beginning, right childhood से लेके अभी तक, मतलब इनके लिए अगर कुछ भी चाहिए, मतलब anything that you need, anything that you have, कोई problem हो कोई समस्या हो तो he is very forthcoming कि उसका solution, whether he has it then or not, but still कहीं ना कहीं से करके he will organize it and you know set it up for you कि हाँ भाई ये this is what it is for you. So that is the best thing about him. I'm Dhruv Verma and I'm currently a student pursuing BTech from Greater Noida. My grandfather's nature is like amazing, like I would say, like from the starting, like I've seen him interacting with people, and he has an amazing nature and it is an inspiration for me. मैं कहता हूँ भगवान की मेरे पर बड़ी दया रही है, इस माहौल से पंजाब में मैं निकलने के बाद में यहाँ तक आए थे, जॉइंट एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो जॉइंट सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट थी मेरी रिटायरमेंट से पहले, और यहाँ तक पहुँचने में मेरा कोई गॉडफादर भी नहीं था कि भी हमारा एजुकेशन फैमिली में है जो इसमें मेरी कोई हेल्प की हो, अपनी लेबर के मेहनत के वजह से यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। तो डिवोशन मेहनत और वही मैं एक ही चीज़ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब तो ऑफिसर हमारे जैसे थे प्राइम मिनिस्टर बाद में बने हैं, उनके साथ वो फॉरेन कोलैबोरेशन बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता, मैं मेंबर हुआ करता था, साथ साथ बैठ के डिसीजन लेते थे।
मैं वाशिंगटन डीसी से पिट्सबर्ग में ट्रेन गया, वहाँ एक कंपनी केबिन में वहाँ के काम करने का मौका मिला था, कहा था कभी वहाँ पे काम करना है। जब पूरा 6 महीने वहाँ पे रहना था मुझे पिट्सबर्ग में, पूरा सामान सारा मेरे साथ था, 2 बैग मेरे हैवी बैग थे, मैं ट्रेन में से उतार के बैग भी रख लिए। मैं सोचा किसी मेरे बताया था कि आपको कोई रिसीव करने आएगा, तो मैं इधर देखा मैं कुली कुली तो यहाँ तो मिलेगा नहीं, कैसे दिया। मैं कहा चलो गेट के तक का सामान ले जाऊँ, कोई वहाँ पे आएगा ढूंढेगा कहाँ प्लेटफॉर्म पे मुझे। जब अभी सोच ही रहा था एक बंदा आया, मिस्टर वर्मा यस आई एम बॉब लेट्स गो, इतने कहा और मेरे दोनों बैग उठाए आगे आगे चल पड़ा। मैं उसके पीछे बॉस की तरह पीछे चला, मैं दोनों बाइक मेरे उठाए और जाके मुझे होटल में छोड़ दिया, कमरा दरवा दिया। नेक्स्ट डे जब मैं गया, बिलीव मी ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी वेयर आई वाज सपोज्ड टू वर्क, वो कंपनी का चेयरमैन था। उस दिन के बाद मेरा ये हो गया कि सारा काम खुद करना है, सारा अमेरिका पूरा यूरोप ढूंढना, मैं कभी इधर उधर नहीं, जो सामान है अपने आप ही उठाना। ऐसे न्यूयॉर्क में भी ऐसे हुआ, एक बाबे भीख मांगने का तरीका, अपने हेड हेड लेके घुमाते हैं, हेड घुमाते उसमें पैसे डालते हैं, जो चीज़ें डालते हैं। मैं उसकी फ़ोटो लेने लगा, उसे भी मुझे फ़ोटो नहीं लेने दी, नो सर यू विल टेक माई फोटोग्राफ टू योर कंट्री। इन वहाँ पे मतलब डिवोशन कंट्री के लिए इतनी है, कुछ सोच भी नहीं सकते कि इंडिया में भी कभी ऐसा होगा। एक वहाँ एक और भी बताता हूँ, वहाँ मैं पिट्सबर्ग की बात बताता हूँ। एक मैं किसी का गेस्ट गया, मुझे ऐसी फैमिली के बुलाओ जिसके बच्चे इंजीनियर हो, आप भी इंजीनियर हो और बच्चे मेरी बच्चों की एज ग्रुप पे हो। इंट्रोड्यूस करवाने के बाद मैं उनके घर का वीकेंड पे उनके घर भी रहा, और वहाँ पे जाके उन्होंने बात कर रहे थे बच्चों की। मैं कभी बच्चों को तुम हो पॉकेट मनी क्या देते हो, वो कहते $1। मैं $1 से क्या होता होगा भाई, वो कहते नहीं ये आप खुद भी कमा लेते हैं। मैं बच्चे हैं कैसे कमा लेते हैं, लड़का था कोई 10, बड़ा लड़का जो 10-11 साल का था, उसे छोटा 7-1 साल का बेटी थी उनकी कोई 5 साल की। मैं 10 साल का बच्चा क्या कमाता होगा, वो कहते हैं ये जब सवेरे काम बर्फ़ पड़ती है, हर एक की ड्यूटी होती है कि बर्फ़ अपने दरवाजे से बर्फ़ हटाओ, अगर नहीं हटाओगे उस बंदा को स्लिप करके गिर गया था एक्सीडेंट हो गया तो उसको पूरे डैमेज आपको भरने पड़ेंगे। सबसे अमेरिकन उठ के पहला बेलचा उठा के अपने दरवाजे में बर्फ़ उठाते हैं, फिर नमक डालते हैं ताकि पिघल जाए, कोई मेरे दरवाजे के सामने से सिर के गिर दी जाए, ये कानून है वहाँ का। तो कहते जब बेलचा उठा के अपने भारी बर्फ़ उठाता है उसको पैसा देते हैं, कभी पैसा देते बच्चे को, फिर जब बेलचा उठा ले पड़ोसियों के भी बर्फ उड़ा है तो उसे फिर पैसे ले लेता है। मैं हमारे इंडिया में कहे मेरा बेटा पड़ोस में जाके हमारे से ना कर जाएगी, लेकिन वो कहे बच्चों को आप शुरू से काम करने के आदत डालते हैं। मैं और बड़े छोटे बच्चे का क्या करते हैं, छोटे बच्चे की ड्यूटी है किचन का गार्बेज का डब होता है उठा के 10 मिनट में डाल के आ रहा है, उसके भी उसको पैसा देते हैं। बच्चे को हम उन्हें एक बच्चे ने साइकिल खरीदना है कमाओ, इसे इसको कमाई के पैसे उससे साइकिल दिया, हम अपनी जेब से पैसा नहीं मामा अपने लेके दिया। बड़ा बच्चा कहता मुझे गिटार लेनी है, और कहते कमाओ अपने पैसा इकट्ठा किया उससे पैसे गिटार लेके दिया। मैं बाबा तो वहाँ की आदत शुरू से ही काम करने की बच्चों को आदत डालते हैं। मैं कहता यहाँ पर पहुँचो उसी की मेहरबानी से पहुँचाऊँ, और इस वक्त M88 ना मुझे कोई BP है, ना मुझे शुगर है, ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। I'm so nice. अभी एक्सरसाइज करता हूँ, भाग कर ले देता हूँ इस एज में, इज ओनली ड्यू टू हिज ग्रेस। मैं कोई ऐसा क्राइटेरिया कह रहा हूँ कि मैं यही करता हूँ, सब कुछ किया है लाइफ में। मेरा रूटीन तो बड़ा सिंपल है, मैं सवेरे उठ के चाय का कप पीता हूँ, चाय पी एक पार्क में घूमने निकल गए,
पार्क में जाके जिम बना हुआ, वहाँ पे जिम में एक्सरसाइज कर एक्सरसाइज कर सैर करते मेरे शुरू से आगे बढ़े, वो मैं कभी ब्रेक नहीं की। घर आए थोड़ा तैयार हुए और नाश्ता किया और फिर साथ में बेटे का ऑफिस है वहाँ जाके बैठता हूँ, और वो बेटे का ऑफिस है जो फिर मैं भी कंपनी का डायरेक्टर तो हूँ, ऑफिशियल कैपेसिटी भी मेरी है, लेकिन अपना जो पर्सनल काम हो वही करता हूँ, ऑफिस का काम भी देखता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ, फाइनेंस का देख लेता हूँ, लोगों से हॉस्पिटल से जो पैसे वगैरह लेने हैं किसी के बिल पेंडिंग है वो करवा देता हूँ। प्रेसिडेंट RRW का प्रेसिडेंट हूँ और पहले 14-15 साल से प्रेसिडेंट रहा हुआ RRW का, और इसलिए कम्युनिटी सर्विस का भी आदत पड़ी हुई है, जो भी लोकल प्रार्थना होती है MLA से मिलना है, काउंसलर से मिलना है, MP के मिलना है, या पुलिस वालों से कोई या कॉरपोरेशन से कोई, सारे लोकल प्रॉब्लम को हम उनको सॉल्व करते रहते हैं। पंजाब की बात बताता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात आता हूँ, उन दौर में लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा था कि मैं 6-7 साल की उम्र का था, 1937 की बात कर रहा हूँ, 37 ही मेरा ख्याल है, तो वहाँ पे एक भतीजे ने अपने चाचा का मर्डर कर दिया जमीन के झगड़े में, मर्डर हुआ और वहाँ पे पुलिस आ गई, और दूर दूर से लोग आते थे वही देखने के लिए खूनी कैसा होता है, लाइन लगती थी उस बंदे को देखने के, खूनी भी ऐसे होते हैं, खून नाम की मतलब मर्डर नाम की कोई चीज़ लोगों को समझ नहीं थी आ रही, कभी सुना ही नहीं था, अच्छा ये मर्डर हो गया, बंदा खूनी कैसा होता था, देखने का आते थे लाइन लगती थी देखने के लिए, गाँव में एक हफ्ता पुलिस बैठी रही, उसकी रोज़ पिटाई करते थे सबके साथ में, और उसके सामने लोगों उनको देखने के लिए आते थे, मतलब ये था लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इतना डर था कानून का। तो आजकल जो सिस्टम चल रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी पेरेंट्स के साथ डिवोशन बहुत कम होती जा रही है, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा आ रहा है, पर्सनली जो भी है मैं हूँ बस मैं हूँ ये नहीं चलता, फैमिली को साथ लेके चलना पड़ता है, बड़ों को इज्जत भी करना पड़ता है, पहले ज़माने में था माँ बाप के लिए कोई बात कोई कह दे लड़ाइयाँ हो जाती कि मेरे बाप को ऐसी क्यों क्या हाथ होते कौन होते हैं, लेकिन आजकल बच्चे ही माँ बाप की बेइज्जती करते हैं तो दूसरे में क्या सुनेगा। चाइल्डहुड में मतलब हमें तो वी हैड एवरीथिंग एट आर डिस्पोजल, हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी चीज़ की हमें कमी है, वी आस्क्ड फॉर इट एंड वी गॉट इट फ्रॉम हिम, व्हाटएवर जो भी जायज़ या नाजायज़ डिमांड्स रहती हैं बच्चों की वो सब पूरी की। दादाजी हम लोगों को दोनों को ही, मेरी सिस्टर को और मुझे दोनों को ही बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि एक कुछ मीन लाइक चॉकलेट्स या जो भी मेरे को पसंद है वो छुपके से मेरे लिए ले आते थे, लेकिन ऐसा है कि मेरी दीदी को वो कभी कभी ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि यू नो वो लड़की है और वो घर की लक्ष्मी है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते थे, और छोटी छोटी बातों में जैसे हमारी लड़ाई हो जाती थी तो उसको भी फेवर करते थे, लेकिन ठीक है। हमसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं वो अपनी हेल्थ का, and which shows with his age, and he's very active, and we wish him that he always stays like this, and his blessings are with us all the time. He at this age can do anything. The way he tackles his problems, the way especially health problems at this time, the way he, you know, sets his routine and everything, so it is a big inspiration for me to also, you know, kind of incorporate that in my life. देश सबसे ऊपर है, देश को बढ़ाने में आज की नई पीढ़ी का बड़ा हाथ है, अपने इंडिविजुअल से पार्टी पॉलिटिक्स से और अपने पर्सनल से सबसे ऊंचा देश को आगे बढ़ा, देश है तो हम हैं और कुछ नहीं है।